Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. आज का वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि आप लोग काफी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे अबाउट माई स्किन केयर रूटीन. सो वीडियो के टाइटल से ही आप लोग समझ गए होंगे कि आई एम इन टू आयुर्वेदिक स्किन केयर. मुझे आयुर्वेदिक स्किन केयर काफी ज्यादा पसंद है एंड आई नो कितना ज्यादा बेनिफिशियल है ये हमारे स्किन के लिए. तो मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करूं. एंड ऑल्सो एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूं कि मैं नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करती रहती हूं. मेरा जो स्किन केयर रूटीन है वो ना चेंज होता रहता है क्योंकि मैं आप लोगों के सामने जो प्रॉपर रिव्यू है प्रोडक्ट्स की रिव्यू, आयुर्वेदिक स्किन केयर अच्छा है या फिर कोई दूसरा स्किन केयर अच्छा है, तो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूं. दैट्स व्हाई मेरा जो स्किन केयर रूटीन है ना वो हमेशा चेंज होता रहता है. जैसे 2020 में मैंने एक वीडियो शेयर किया था, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया उस वीडियो में. वो मेरा उस टाइम का करंट स्किन केयर रूटीन था. वो शायद विंटर सीजन के स्टार्टिंग में मैंने शेयर किया था. बट अभी मैं कोई नया स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ, नए प्रोडक्ट्स है तो मैं सब कुछ, लेकिन ये जो स्किन केयर रूटीन है ना मेरा ये टोटली आयुर्वेदिक है. इसे मैन, वुमेन, इनफैक्ट टीनेजर्स कैन ऑल्सो यूज क्योंकि सारे ही जो भी प्रोडक्ट्स है बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट्स आई वुड से, बहुत कम प्रोडक्ट्स मैं इस्तेमाल करती हूँ अभी अपनी फेस पर. ज्यादा ही मैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करती हूँ. सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए. मेक श्योर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइस, मेरा ये जो स्किन केयर रूटीन है ये मैं दो टाइम दिन में फॉलो करती हूँ. सो मैं मॉर्निंग में भी फॉलो करती हूँ और मैं नाइट टाइम में भी इसे फॉलो करती हूँ. सो जो मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन है वो मैं शेयर कर रही हूँ. मैं सेम प्रोसेस मॉर्निंग में फॉलो करती हूँ, पूरा जो सेम प्रोसेस ही है. बहुत ही मिनिमम स्टेप्स है, कुछ ज्यादा मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स आजकल नहीं इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि स्किन को मैं इरिटेट नहीं करना चाहती हूँ एंड मैं आयुर्वेदिक में ही स्टिक करना चाहती हूँ. सो जो पहला मैं करती हूँ, अपने फेस को अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ रात को से पहले. एंड फॉर क्लीनिंग मैं आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ बेसन. सिर्फ मैं अपने फेस पर बेसन को 5 या 2 मिनट्स के लिए मैं बस अप्लाई करके छोड़ देती हूँ, बेसन को पानी से मिक्स करके. और बस 2 मिनट बाद जब वो थोड़ा सा सेमी ड्राई हो जाता है तो मैं उसे नॉर्मल पानी से धो देती हूँ. तो इससे क्या होता है कि मेरे स्किन पर ना जो भी इम्प्यूरिटीज है, मेकअप रेसिड्यूज है, डर्ट है, सब कुछ रिमूव हो जाता है. और फेस वॉश में स्विच करती रहती हूँ. तो आप अगर कोई फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं तो उस फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कीजिए अच्छी तरीके से और फिर उसके बाद अपने फेस को आप वाइप ऑफ कीजिए, टॉवल ड्राई कीजिए एंड फिर मैं सीरम इस्तेमाल करती हूँ. मैं आजकल इस सीरम को इस्तेमाल कर रही हूँ. ये है फ्रॉम द ब्रांड अर्दी आयुर्वेदा. ये टोटली आयुर्वेदिक सीरम है क्योंकि इसमें सारी ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है एंड काफी सारे बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स भी है. एंड यू नो व्हाट, आई जस्ट लव द पैकेजिंग क्योंकि इसका जो बॉक्स है ना वो बॉक्स से इतना ज्यादा क्लासी है, इतना ज्यादा क्यूट है, मुझे काफी अच्छा लगा. उसके साथ ये एक परफेक्ट गिफ्ट ऑप्शन भी है एंड द बॉक्स इज सो अफोर्डेबल. आई मीन 800 रुपीज में आपको सीरम क्रीम भी मिल रहा है और ये वो भी पूरा आयुर्वेद. So this will be perfect gift option as well. अभी Valentine's Day सामने है, so you can gift this one to anyone and everyone क्योंकि ये unisex products है. Also ये जो serum है ना, दोनों इसके साथ एक serum भी आता है और ये cream भी आता है. So this is complete skincare routine ही, आयुर्वेदिक complete skincare routine. दोनों ही इसी तरीके के glass bottle में है and the color of glass is dark, which means ये प्रिवेंट करता है लाइट कंटामिनेशन. सो ये काफी ज्यादा थॉटफुल है क्योंकि आयुर्वेदिक स्किन केयर में हमें काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है बिकॉज दे आर क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स जो कि बिल्कुल आयुर्वेदिक है. दैट्स व्हाई किसी भी तरीके का कंटामिनेशन ना हो ये भी ध्यान रखा है. सो डार्क बॉटल है बिकॉज लाइट से जो कंटामिनेशन होता है उसे प्रिवेंट करने के लिए. और पंप सिस्टम में आता है. सो बहुत ही ज्यादा मुझे तो यूजर फ्रेंडली ही लगता है और काफी ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली भी है बिकॉज ये जो सीरम है ये 50 ml का है और इसका जो फ्रेग्रेंस है ना वो काफी अच्छा लगा मुझे. और ये जब आप अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा येलो कलर में है ये, तो आपको ना इसे मसाज बिल्कुल भी नहीं करना है. आपको जस्ट अपने फिंगर में इसे लेना है और फिर अपने फेस पर इसे डैब करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको डैब करना है. दैट्स इट. इसे रब मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए. ऑल्सो इसमें ना कोई ऐसे हार्श और हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, इसमें पैराबन, SLS, सल्फेट नहीं है. सो जो भी गुड इंग्रेडिएंट्स है सारे इसमें है, विच इज द बेस्ट पार्ट. और इस सीरम को अप्लाई करने के बाद ये बहुत ही इजीली यू नो आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाते हैं, बहुत लाइट वेट भी है. सो ये आपको जस्ट अपने फेस पर डैब करना है. दैट्स इट.
उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ ये वाला क्रीम, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में भी, अगर आप मेरे लाइव स्ट्रीम पर थे तो आपको पता है कि मैं आजकल इस क्रीम को इस्तेमाल कर रही हूँ एंड आई एम लविंग दिस क्रीम. मेरी ड्राई स्किन है फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इस क्रीम को इस्तेमाल करने से, और ये इंटेंसली हाइड्रेशन तो प्रोवाइड करता ही है, बट इसमें इतने सारे बेनिफिशियल इन्ग्रीडियंट्स है ना, इसके अंदर है ग्रेप सीड, सैफ्रन एंड पूरा इसका जो फ्रेग्रेंस है, आई जस्ट लव द फ्रेग्रेंस, जो एकदम सैफ्रन और सैंडलवुड का जो फ्रेग्रेंस होता है ना, वैसा फ्रेग्रेंस है. ये हमारे स्किन के पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करता है, डार्क स्पॉट्स को, स्किन को इवन करता है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग दिस क्रीम, और मैं आजकल इसे तो इस्तेमाल कर ही रही हूँ, काफी दिन हो गए, इनफैक्ट शायद एक महीना होने वाला है, एंड आई एम जस्ट लविंग दिस क्रीम एंड दिस सीरम. ये जो आयुर्वेदिक मेरा जो स्किन केयर रूटीन है, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे काफी सारे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं. और ये जो क्रीम है ये आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है, बट ज्यादा रब मत कीजिए, जस्ट अपने फेस पर इसे डैब कीजिए, हल्की तरीके से डैब करना है, इससे ये इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है. नेक पर भी आपको अप्लाई करना है एंड दैट्स इट. पैकेजिंग काफी ज्यादा स्टाइलिश एंड सेफ है, ऑल्सो एक एलिगेंट लुक भी मिलता है. ईच ऑर्डर के साथ आपको 50 ml का एक टेस्ट बॉटल फ्री मिलता है, और ये क्रीम ना काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, स्किन पर कुछ फील ही नहीं होता कि कुछ अप्लाई किया है, हार्श कोई स्मेल भी नहीं है, और एक लग्जूरियस फील होता है. ऑल्सो रिजल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट्स आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा. इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन, ऑथेंटिक और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, और ट्रेडिशनल होम ऑफ आयुर्वेदा की आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बने होते हैं. सो दीज आर रियली इफेक्टिव, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का एक ब्लेंड, एक मिक्सचर है इस क्रीम में, जो कि आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है. और उसके बाद मैं सोने चली जाती हूँ, दैट्स इट. और ये जो क्रीम है ना, ये मैं अपना अंडर आई एरिया पर भी अप्लाई करती हूँ, मुझे तो कोई आईज में इरिटेशन नहीं हुई है. या आप लोग इसे अपने होल फेस पर ही अप्लाई कर सकते हैं. और गाइज, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है. सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप मेरा ये जो आयुर्वेदिक स्किन केयर रूटीन है ये आप सबको अच्छा लगा, और इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. आज के लिए इतना ही, बाय.